आपने फिल्मों में कबूतर को प्रेमी और प्रेमिका के संदेशों को इधर से उधर ले जाते हुए खूब देखा होगा, मगर कबूतरों से जासूसी की खबरें शायद ही आपकी आंखों के सामने कभी गुजरी होंगी। उड़ीसा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बहुत ही साधारण से कबूतर से जासूसी करवाई जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के पारादीप तट के पास मछली पकड़ने वाली एक नाव से कैमरा और माइक्रोचिप से लेकर एक कबूतर पकड़ा गया है। कबूतर के साथ जिस तरह के उपकरण लगे मिले हैं उन्हें देखकर पुलिस को संदेह है कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मछुआरों ने समुद्र में मछली पकड़ते हुए कबूतर को अपनी नाव पर बैठे हुए पाया था। उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया और बुधवार को पारादीप में मरीन पुलिस को सौंप दिया। जगत सिंहपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी राहुल पीआर ने बताया कि कबूतर की पशु चिकित्सकों द्वारा जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कबूतर के पैरों से जुड़े उपकरणों की जांच के लिए राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की मदद लेंगे। एसपी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कबूतर के पैरों में जो उपकरण लगे हैं वो कैमरे और माइक्रोचिप हैं। एसपी ने बताया कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि पक्षी के पंखों पर स्थानीय पुलिस के लिए अज्ञात भाषा में कुछ लिखा गया है। उन्होंने कहा कि ये पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी कि क्या लिखा गया है। वहीं पारादीप के एसएसपी ने कहा कि सच का पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कबूतर के पैरों में जो उपकरण लगा है वो कैमरे की तरह दिख रहा है। दोस्तों, क्या आपने भी पहले कभी कबूतर के पैरों में कैमरा लगा हुआ देखा है? या ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है कबूतर के पैर में, ये चिप और कैमरा है या फिर और कुछ है या फिर एकमात्र घुंघरू है? कमेंट करके जरूर बताएं आपको अगर ये समझ आ रहा हो तो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।